सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियों को। मेरा नाम ब्रैड है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक है। शिकार करने के लिए नई नई जगहों पर जाता रहता हूँ। और तकरीबन सन 2010 में मैं शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था, जिसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था। मैंने सुना था कि उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं, जिसकी वजह से कोई वहाँ पर शिकार करने के लिए नहीं जाता। मुझे लगता था कि उस जंगल के बारे में जो भी बातें इधर उधर फैली हुई हैं वो सिर्फ एक अफवाह है। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं उस जंगल में गया। और जब मैंने उस जंगल को बाहर से देखा तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो जंगल आम जंगल नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी जंगलों में गया था, लेकिन वो जो जंगल था वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल मुझे चेतावनी दे रहा है कि यहाँ मत आओ। लेकिन मुझे शिकार तो करना ही था और अपनी बात को भी सच भी करना था। और फिर मैंने अपने हथियारों को उठा लिया और चल पड़ा उस जंगल में। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उस जंगल में से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। जब मैं अंदर गया तब जब मुझे बदबू आई तब मुझे लगा कि किसी जानवर की लाश चढ़ रही है, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब मैंने ध्यान दिया कि वहाँ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा तब मैंने किसी आदमी का सर देखा। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि वहाँ सिर्फ सर ही सर था, बाकी का शरीर नहीं। जैसे ही मैंने उस सर को देखा तब मुझे लगा कि मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगा तब साथ में मैं भी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस जंगल में गया था वहां जाना गैर कानूनी था। इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया और जंगल में आगे बढ़ गया। मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं किसी भी खतरे से डरता नहीं था। मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया और रात हो गई। मैंने एक जगह देखी और वहीं पर टेंट लगाने का फैसला किया। मैंने वहां टेंट लगाया। मेरे पास कुछ खाने का सामान था, मैं वो खाने लगा। खाने के बाद जब मैंने खाना ख़त्म कर दिया तब मैं टेंट में चला गया और मैंने बाहर टेंट के आग जला दी ताकि कोई जंगली जानवर मेरे टेंट के आसपास भी ना भटके। मैं सो ही रहा था तभी अचानक से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो आवाज़ थी किसी अजीब सी चीज़ की जिसका पता मुझे नहीं था। वो आवाज़ मैंने पहली बार सुनी थी और तेज़ हवाएं चलने लगी थी। मैंने टेंट की चैन को थोड़ा सा खोल कर देखा तब वो जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो जो आवाज़ें थी वो बढ़ने लगी और मैं समझ गया कि खतरा मेरी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो आवाज़ें बढ़ रही थी वैसे वैसे मैंने अपनी बंदूक को तैयार कर लिया था और मैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार था। मुझे पता था कि मुझ पर हमला हो सकता है, इसलिए मैं चौकन्ना था। जिस दिशा से वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी मैंने उस दिशा में गन को पॉइंट कर रखा था। तभी अचानक से दूसरी दिशा से एक भारी भरकम भालू आया और वो मुझे देखकर गुर्राने लगा। और जैसे ही मैंने उस भालू को देखा तब मैंने आसमान में गन को पॉइंट किया और एक एयर शॉट मारा, जिसकी वजह से वो भालू डरकर वहां से भाग गया। लेकिन खतरा जो था वो अभी तक टला नहीं था और इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने अपनी बंदूक को वापस से लोड किया और मुझे वो आवाज़ जो कि काफ़ी अजीब थी वो फिर से सुनाई दी। और मैं समझ गया कि ये आवाज़ किसी मिस्टीरियस क्रिएचर की है।
मुझे लगा कि अगर मैंने इसका शिकार कर लिया तब मैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगा, और इसी चक्कर में मैंने उस दिशा में एक फायर कर दिया। और जैसे ही मैंने फायर किया वैसे ही वो जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद वो गोली सीधा उस क्रिएचर को लग गई, लेकिन अगर वो गोली उस क्रिएचर को लगी होती तब वो चिल्लाता ज़रूर, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ तो आ ही नहीं। मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मुझे खतरा हो सकता है। मैं धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने देखा कि वो जो अंधेरी सी जगह थी वहाँ एक झाड़ी हिल रही थी, और मैं समझ गया कि हो ना हो वो जो क्रिएचर है वो वहीं पर है। मैंने अपनी बंदूक को वापस से उसी तरफ पॉइंट कर दिया, और फिर उस झाड़ी में से एक अजीब सा पतला सा दिखने वाला क्रिएचर निकला, और वो इतना ज़्यादा डरावना था जिसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके हाथों में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये जो भी क्रिएचर है वो एक आदमखोर है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, और मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे कवर लेकर खड़ा हो गया, और मैंने एक के बाद एक उस क्रिएचर के ऊपर फायर करी, लेकिन मेरी गोलियों का उस क्रिएचर पे कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसने मेरी तरफ अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो एक छलांग में मेरे सामने आ गया। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि मेरे ठीक पीछे आग जल रही थी, और मैं घबराते हुए उस आग के पास चला गया, और उस आग से डरकर वो जो क्रिएचर था वो मुझसे दूर हटने लगा। मैं समझ गया कि वो जो क्रिएचर है वो आग से डरता है, इसलिए मैंने एक लकड़ी को उस आग में से निकाला और उसे क्रिएचर को दिखाने लगा। वो जो क्रिएचर था वो आग से डर रहा था, और वो वहाँ से अपने कदमों को पीछे ले रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं उसको आग से डराने लगा, और वो क्रिएचर अपने कदमों को पीछे लेता गया। वो क्रिएचर जैसे ही वहाँ से भागा तब मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझ पर दोबारा हमला कर सकता है, इसलिए मैं पूरी रात वहीं पर अपनी बंदूक लेकर बैठा रहा। मैं उस आग के पास ही रहा। मुझे पता था कि अगर मैं उस आग से दूर हुआ तब वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर मुझे चीर फाड़ देगा, इसलिए मैं पूरी रात आग के पास ही बंदूक लेकर बैठा रहा, और पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजरी। लेकिन पूरी रात मेरे कानों में उसी क्रिएचर की आवाज़ गूंजती रही, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात थी। धीरे धीरे जब सुबह हुई और सूरज निकला तब मैंने चैन की सांस ली और वहाँ से जाने का फैसला किया। मैं वहाँ से निकल ही रहा था तभी मुझे एक आदमी मिला, और उस आदमी की हालत देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तड़प रहा था, और उस एक आदमी का हाथ कटा हुआ था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक इंसानी हाथ को उस क्रिएचर के हाथ में देखा, मैंने उस क्रिएचर के मुंह में देखा था, और मैं समझ गया कि ये काम उसी आदमखोर क्रिएचर ने किया है। मैं उस आदमी को उठाकर मेन रोड पर लेकर गया, और वहां फिर मैंने एक कार को रुकवाया, और फिर उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उस आदमी का इलाज चला। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने ऑफिस से देर रात को घर आ रहा था, और मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। उस दिन बॉस ने मुझे कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया था, जिसकी वजह से काम को ख़त्म करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, और घर पहुंचने की जल्दी में मैंने एक शॉर्टकट को अपना लिया था। वो जो शॉर्टकट था वो एक सुनसान इलाके से होते हुए गुजरता था, और उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा जंगल था। लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा थका भी हुआ था। मुझे लगा कि मैं अगर मेन रोड से जाऊंगा तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लगेगा, और वहीं पर मुझे उस छोटे से रास्ते से तकरीबन 25 मिनट लगेंगे, तो इसलिए मैं उस सुनसान इलाके से ड्राइविंग करते हुए गुजर रहा था। मैं ड्राइविंग करता हुआ वहाँ से जा ही रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर इस सुनसान इलाके में मेरी इस चलती हुई कार को कौन देख रहा है। तभी मुझे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो कदमों की आवाज़ किसी जानवर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरी कार चल रही है वैसे वैसे ही मेरी जो कार है उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। यही सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी जो कार की स्पीड थी उसे बढ़ा दिया। लेकिन वो जो कदमों की आवाज़ थी वो मुझे आ ही रही थी। मैंने अगल बगल अपनी नज़रें घुमाई तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरा जो दिल था वो पूरी तरह से दहल उठा। मैंने देखा कि मेरी जो कार है उसके ठीक थोड़ा सा पीछे बगल में एक जंगल वाले रास्ते से एक पतला सा दिखने वाला क्रिएचर मेरी कार का पीछा कर रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। जैसे ही मैंने उस क्रिएचर को देखा तब मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मेरी गाड़ी तकरीबन 90 की स्पीड पर आ चुकी थी, लेकिन वो जो क्रिएचर था वो मेरी गाड़ी का आसानी से पीछा कर पा रहा था। और एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी गाड़ी को पकड़ लेगा। की वजह से मैं और भी ज़्यादा डर रहा था और मैंने अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी मेरी गाड़ी में एक ज़ोरदार झटका लगा और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और जैसे तैसे करके उस रात मैं वहाँ से निकला। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी को भगाता रहा। मैंने रास्ते में ज़रा सा भी स्पीड कम नहीं किया और काफ़ी रात और जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो पीछे वाले हिस्से पर बहुत ही खतरनाक पंजों के निशान थे और वो पंजों के निशान किसी आम जानवर के नहीं थे, क्योंकि आम जानवर काफ़ी छोटे छोटे पंजे वाले होते हैं, लेकिन वो जो पंजा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि मुझे बार बार सपने में वही क्रिएचर दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद से तकरीबन एक हफ्ता मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और काफ़ी दिनों तक मैं इसी बारे में सोचता रहा और कई दिनों बाद मैं इस हादसे को भुला पाया। लेकिन अगर मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं उस क्रिएचर के हाथ में आ जाता तब न जाने मेरा क्या होता। मार्क काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ उसके हाथ में निराशा ही आई। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिली और वो नौकरी थी सेल्समैन की। मार्क ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे ये नौकरी करनी पड़ी और वो रोज़ लोगों के घरों पे जाकर सामान को बेचने लगा। शुरुआती दिनों में तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूरी के कारण वो ये काम करता रहा। एक दिन अचानक से वो अपने सामान को लेकर घूम रहा था। उसे कोई घर नहीं मिल रहा था जहां वो जाकर अपने सामान को बेच सके। वो एक घर के पास पहुंचा जो कि काफी वीरान जगह पे था। उस घर के आसपास काफी ज्यादा जंगली एरिया था। उस दिन मार्क का कोई भी सामान नहीं बिका था, इसलिए मजबूरी में उसने सोचा कि चलो यहाँ चल के देखता हूँ, क्या पता कुछ सामान बिक जाए। और वो उस घर की तरफ बढ़ गया। घर पे जाकर उसने डोरबेल को बजाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और फिर उस सेल्समैन ने, मतलब कि मार्क ने, उस बूढ़े आदमी को अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया और उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए मार्क को अंदर बुलाया। मार्क को लगा कि शायद कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है और आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के घर में चला गया। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को पानी पिलाया और आराम करने के लिए कहा। मार्क काफी हैरान हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रहा है मार्क की। वो काफी ज्यादा बूढ़ा था और मार्क उसकी बातों को टाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो जैसा जैसा कह रहा था मार्क वैसा वैसा कर रहा था। मार्क उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया और घर का नज़ारा देखने लगा। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था
उस बूढ़े आदमी ने मार्क से ढेर सारा सामान खरीदा और मार्क को बहुत कमाई हुई, जिसकी वजह से मार्क काफी ज्यादा खुश हुआ। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को एक स्पेशल टी पिलाई, जिसे पीकर मार्क काफी ज्यादा खुश हुआ। वो स्पेशल टी मार्क को काफी ज्यादा पसंद आई और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि अरे अंकल, क्या डालते हो आप अपनी स्पेशल टी में, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक कभी भी नहीं पी, कमाल की टी है आपकी। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे बेटा, बस प्यार मिला देता हूं, अच्छी अपने आप बन जाती है। और ये सुनकर मार्क मुस्कुराने लगा और मार्क ने अपना बाकी का सामान उठाया और वहां से एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर जाने लगा। और जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, वापस जरूर आना और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसे भी लेकर आना, मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। और मार्क काफी खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी ने जहां वो काम करता था एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मार्क को ढेर सारे यूनिट मिले बेचने के लिए। वो आंखें बंद करके उसी बूढ़े आदमी के घर पे चला गया और उसने इस बार डोरबेल बजाई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मार्क ने पूछा कि अंकल जी हैं कि नहीं। उस बूढ़ी औरत ने मार्क को अंदर आने के लिए कहा और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहा है। और जैसे ही उसने मार्क को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि आ गए आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं यही सोच रहा था तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं, लगता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, है ना। मार्क ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दिखाओ दिखाओ क्या प्रोडक्ट है। और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर दिया और फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सारे यूनिट्स खरीदूंगा, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्पेशल टी भी लेकर आता हूँ। ये सब सुनके मार्क की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, सारे यूनिट उसके बिक गए, अब उसको पक्का प्रमोशन मिलने वाला था कंपनी की तरफ से। मार्क काफी ज्यादा खुश था। वो बूढ़ा आदमी अंदर कमरे में चला गया और एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर आया और मार्को को पकड़ा दिया और किचन में जाकर टी बनाने लगा। वो बूढ़ी औरत उस कुर्सी पे बैठकर टीवी देखने लगी। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा अजीब थी, वो कुछ भी बोलती नहीं थी, सिर्फ चलती फिरती थी, कोई भी चेहरे पे उसके हाव भाव नहीं रहते थे। आधे घंटे तक वो बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया किचन से। मार्क को लग रहा था कि क्या हो गया, इसलिए वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और किचन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के कटे हुए सर को निचोड़ कर उसमें से खून निकाल रहा है और उसे गैस पर चढ़ाकर पका रहा है। मार्क ये सब देखकर सहन रह गया और फिर उस बूढ़े आदमी ने मार्क के सामने ही उस इंसान की खोपड़ी से निकले हुए खून से चाय बना दी। ये देखकर मार्क का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। वो समझ गया कि यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। वो सपना सामान उठा के जा ही रहा था तभी उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। और तभी अचानक से वो टीवी देख रही बूढ़ी औरत बोली कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही मार्क काफी ज्यादा घबरा गया और पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। वो चुपचाप से जाकर कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी को पता चलता कि मार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो अगली बार मार्क के कटे हुए सर से वो बूढ़ा आदमी चाय बनाता। वो आदमी बाहर निकला और मार्क को चाय पकड़ाने लगा और बोला,
ये लो बेटा तुम्हारी स्पेशल चाय, तुम्हें बहुत पसंद है। और उस चाय को देखकर मार्को को काफी ज्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाय कैसे बनी थी। किसी इंसान के कटे हुए सर के निचोड़ से बनी हुई चाय को भला कौन ही पीना चाहेगा। मार्क काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो बूढ़ा आदमी मार्को को देख के मुस्कुरा रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चाय को कैसे पिए। मार्क ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल काढ़ा लेकर आता हूँ, वो पीकर तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी फिर से किचन में चला गया और मार्क भी उस आदमी पर नजर रखने लगा। और फिर वापस से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मार्क को उल्टी आने लगी। उस बूढ़े आदमी ने फ्रिज का दरवाजा खोला और उस फ्रिज में एक कटा हुआ इंसानी शरीर रखा हुआ था, जिसे निचोड़ कर उसमें से निकले हुए खून को उसने गैस पर पतीले में डालकर चढ़ाकर पकाना शुरू कर दिया। और फिर उसके अंदर बिल्ली का कटा हुआ सर डालकर भी उसे भी पकाने लगा। ये सब देखकर मार्क उल्टियां कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहां से भागने के लिए रास्ता देखने लगा। उसे पता चल गया था कि यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। और मार्क की नज़र एक खिड़की पे पड़ी और मार्क ने बिना किसी देरी के उस खिड़की को तोड़ के वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने मार्क को पकड़ लिया और हंसते हुए बोली कि मैंने कहा ना यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने एक चाकू से मार्क के ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे मार्क ने अपने आप को बचाया और वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया और एक भारी चीज से मार्क के सर पे वार करने लगा, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो गया। मार्क की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर पे पट्टी लगी हुई है। मार्क ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आ गया कि अभी भी वो उसी घर में है। लेकिन एक बात और मार्क को समझ आ गई कि अगर उन बूढ़े आदमियों को मारना होता तो मार्क को उसी वक्त मार देते और मार्क अभी जिंदा ना होता। इसका सीधा सा मतलब यही है, उस बूढ़े आदमी का मकसद कुछ और है। तभी अचानक से उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए अंदर आया और उसने कहा कि तो उठ गए, मेरी बीवी ने कहा था ना यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, तुमने भागने की कोशिश क्यों की, मुझे तो यही समझ नहीं आया। क्या कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्पेशल चीज, अब तो पियोगे ना। उस बूढ़े आदमी को देखकर मार्क के पसीने छूट रहे थे और तभी वो बूढ़ा आदमी मार्क के पास आया और बोला कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, और जिसने भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना किया मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गए। ये सब सुन के मार्क के होश उड़ गए और फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी की बेटी को देखकर मार्क के होश उड़ गए। वो काफी ज्यादा दिखने में भद्दी और घिनौनी थी,
उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था और उसके जबड़े से खून निकल रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती मार्क से करवा दी और फिर कई दिन बीत गए। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बूढ़े आदमी की बेटी मार्क को प्यार करने लगी थी और मार्क को दुखी देखकर वो भी परेशान होने लगी थी। और मार्क भी ये बात जान चुका था कि उस बूढ़े आदमी की बेटी उसे पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया और एक रात उसने अपनी उस बीवी से पूछा कि तुम्हारा परिवार इतना अलग क्यों है, मेरा मतलब तुम आम इंसान नहीं हो। और फिर उसने बोला कि हम बिल्कुल भी आम नहीं हैं, हम सब वेंडिगोस हैं, हम सब रूप बदल कर यहाँ रहते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब मार्क को समझ आ गया था कि उसका जिंदा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो पूरा परिवार वेंडिगो का है और अगर मार्क ने कोई भी होशियारी करी तो वो वेंडिगो मार्क का क्या हाल करेंगे। मार्क को खुद भी उस चीज का अंदाजा नहीं था। और फिर मार्क के दिमाग में एक ही रास्ता आया। मार्क ने अपने हाथ को जख्मी कर लिया और फिर उस बूढ़े आदमी की बेटी यानी कि मार्क की बीवी ने मार्क के जख्मी हाथ को देखा तो उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये खून क्यों बह रहा है। और फिर मार्क ने बताया कि तुम्हारे पापा ने मेरे हाथ को घायल कर दिया। ये सुनकर मार्क की बीवी काफी ज्यादा नाराज हो गई और अपने पापा से लड़ने के लिए चली गई। उसका पिता उसे बार बार समझाता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लड़की मार्क के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कुछ भी सच झूठ का पता नहीं लग पा रहा था। वो मार्क से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने गुस्से में अपने ही पिता को मार दिया। मार्क ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा जख्मी कर दिया और उस लड़की से बोला कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मार्क की बीवी ने वो घर का दरवाज़ा खोल दिया और उससे बोला कि जाओ जल्दी अपना इलाज करा के वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर मार्क अपने उस जख्मी हाथ को लेकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागा और दूसरे किसी शहर में जाके बस गया और वापस से उस शहर की तरफ उसने देखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि मार्क की बीवी आज भी उसी पुराने घर में मार्क का इंतज़ार कर रही है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका पति मार्क ज़रूर आएगा और उसे अपने